सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का वीडियो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में। हनुमान जी की पूजा से जुड़ी हुई मैं आपको जानकारी देती हूँ, उनसे जुड़े हुए जो आपके मन में प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने का मैं प्रयास करती हूँ। आपके ही एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रही हूँ कि क्या प्याज लहसुन खाने के बाद हम हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, या प्याज लहसुन खाने से हनुमान जी की पूजा करें तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज इसी विषय में बात करूँगी और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने का हर संभव प्रयत्न होगा मेरा इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो। दोस्तों, हिंदू धर्म में ब्राह्मणों के अलावा कई लोग लहसुन और प्याज खाने से बचते हैं। आपने नवरात्र में जब व्रत रखा होगा या व्रत नहीं भी रखा होगा तो घर में लहसुन प्याज खाने की मनाही हो जाती है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य ही होगा। ऐसा क्यों होता है कि हम लहसुन प्याज खाने से परहेज करते हैं? जब हमारे घर में कोई पूजा पाठ होती है, जब हमारे घर में कोई अनुष्ठान होता है, जब हमारे व्रत होते हैं, तो इस प्रकार की मनाही क्यों होती है? दोस्तों, शास्त्रों में हमारे तीन प्रकार के भोजन का वर्णन मिलता है। आप ऊपर जैसी इमेज देख रहे होंगे उसमें दिखाया जा रहा है कि खाना जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार के अंतर्गत दोस्तों दूध, दही, सब्जियां, गेहूं से बनी हुई चीज़ें, चावल और फल, ये सब चीज़ें आती हैं। इसको खाने से दोस्तों क्या आपके अंदर परिवर्तन होते हैं, ये भी आप ऊपर स्क्रीन पर जो इमेज चल रही है वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा आहार होता है वो होता है राजसिक। दोस्तों, राजसिक आहार को खाने से आपके शरीर में राजसिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। सोचिए कि अगर आपके अंदर राजसिक इच्छाएं होंगी तो आप स्वयं के लाभ और कार्य सिद्धि के बारे में सोचेंगे, क्योंकि राजा का काम क्या होता है? पुराने समय के राजा की बात छोड़ दीजिए, इस समय राजा जो है वो केवल अपनी कार्य सिद्धि ही चाहता है। राजा तो है नहीं, शासक मतलब ये समझ लीजिए जिसकी सत्ता है। तो सत्ताधारी क्या चाहते हैं? वो अपना ही भला देखते हैं। और अगर आपके अंदर ये गुण होगा तो आप हनुमान जी की पूजा पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में समर्पण की भावना होना बहुत ज़रूरी है। सात्विक भोजन लेते हैं तो उसको खाने से हमारे अंदर किसी का मान सम्मान मायने रखेगा, हम किसी के प्रति स्वार्थ की भावना नहीं रखेंगे और समाज की सेवा कर सकेंगे। ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये गीता में भी वर्णन है दोस्तों इसका, और शास्त्रों में भी इस प्रकार के खाने का यही गुण वर्णन किया गया है, जिसे मैं आपके सामने इमेज के जरिए और बोल कर भी बता रही हूँ कि किस प्रकार के भोजन को करने से क्या आपके अंदर परिवर्तन होता है। तीसरा प्रकार का जो खाना होता है वो होता है तामसिक। तामसिक खाने को खाने से आपके शरीर में दूसरों को तथा समाज को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने की प्रेरणा आती है। और प्याज लहसुन किस चीज़ के अंतर्गत आता है, किस खाने के वर्ग में आता है, तो वो आता है तामसिक आहार के अंतर्गत। इसीलिए प्याज लहसुन को पूजा पाठ के दिनों में खाने को मनाही की जाती है। कहा जाता है कि जब हम ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मन में विचार भी सात्विक होने चाहिए। हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह होनी चाहिए, हमें दूसरों के बारे में चिंता ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, साधारण पूजा पाठ में आप कुछ भी खाएं कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी विशेष पूजा को कर रहे हैं, आप किसी इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे कुछ सिद्धियां चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपको कुछ विशेष नियम मानने ही होंगे। जैसा आप स्क्रीन पे भी दोस्तों देख रहे हैं कि तामसिक जो आप आहार लेंगे तो उससे क्या क्या आपके अंदर परिवर्तन होगा। कर्म की जगह लिखा हुआ है कि कर्म जो भ्रम की अवस्था में हो, जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं,
जो बिना किसी शक्ति के निर्धारण के किए जाते हैं, ऐसे कर्म तामसिक आहार लेने वाले लोग करते हैं। बुद्धि और समझ से परे कार्य करते हैं और धैर्य उनके पास नहीं होता है, शोक का और त्याग उनके पास नहीं होता है। खुशी जो निंद्रा, कामना और आलस से प्राप्त हो, हमेशा भ्रम की स्थिति में बने रहते हैं, ऐसा आहार करने वाले लोग। तभी लहसुन प्याज को इतना परहेज किया जाता है पूजा पाठ में हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी को इन सारे जो ये मैं आपको दोष बता रही हूँ इनसे बिल्कुल नफरत है, और ऐसी भावना रखने वाले लोग हनुमान जी को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका मन पवित्र होना चाहिए तभी आप हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हैं। तामसिक आहार लेने वाले लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ये मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपको नहीं बता रही हूँ, शब्द मेरे हैं, लेकिन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भगवत गीता के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, शास्त्रों के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि तामसिक आहार लेने से आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों तामसिक आहार लेने से हनुमान जी की पूजा करने में आपको परेशानी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लहसुन प्याज खाने से परहेज करना चाहिए ताकि आप हनुमान जी से पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास, पूरे मन के साथ जुड़ सके, और मन का कनेक्शन जो होता है ना ईष्ट के साथ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो और देवी देवता हैं, जैसे मान लीजिए आप कभी काली माता की पूजा करिए, उनका अनुष्ठान कीजिए, भैरव देव की पूजा अनुष्ठान कीजिए, तो उसमें दोस्तों इस प्रकार के आहार को निषेध नहीं किया जाता है। लेकिन हनुमान जी जो हैं वो सात्विक देव हैं, उन्हें इसी प्रकार की पूजा पाठ पसंद आती है, उन्हें इसी प्रकार का चढ़ावा पसंद आता है, तो आप हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको तामसिक भोजन से बचना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर मजबूरी में लहसुन प्याज खानी पड़ रही है, आपके घर में कोई बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं खाता, आपकी मजबूरी है, आपको बनाना ही बनाना है, या आप कहीं बाहर रहते हैं तो आपको उस प्रकार का खाना खाना ही खाना है, तो उसका मतलब ये नहीं है। आप मजबूरी में उस चीज़ को कर रहे हैं, आपका ईश्वर जानता है, तो आपको आपकी पूजा का पूरा लाभ मिलेगा। ये नहीं है कि आप लहसुन प्याज खा रहे हैं तो आपसे भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। भगवान जी इतनी छोटी छोटी बातों में किसी से नाराज नहीं होते हैं। हाँ, आपको अगर कुछ उन्नति चाहिए अपनी साधना में तो आपको तामसिक आहार लेने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारण से इसको खा लेते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी पूजा बिल्कुल ख़राब हो गई, निरर्थक चली गई, आपका पूजा जो है वो ईश्वर तक आपके नहीं पहुंची, आपका खंडित हो गया व्रत, ऐसा नहीं होता है। आपने अनुष्ठान अगर कोई करना है तो आपको प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। हनुमान जी के भक्तों को ट्यूसडे और सैटरडे को प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और आपका मन जानता है कि मैं ऐसा खाना नहीं खाना चाहता हूँ, बहुत से लोग इस तरीके से होते हैं कि वो नहीं खाना चाहते हैं लेकिन उनको खाना पड़ता है, तो आप बिल्कुल पूजा पाठ कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लहसुन प्याज खाने वाले हनुमान जी को प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का आहार भी ग्रहण करते हैं और पूजा के उच्च स्तर पर बैठे भी हैं, तो ये भी लोग हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, सबके मन की अपनी अलग अलग क्षमता होती है। कुछ लोग इस तरीके का ग्रहण करने के बाद भी अन्न अपने आप को संभाल कर पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन हम साधारण से मनुष्य हैं, हमारे अंदर कमियां उत्पन्न होती हैं, हमारे अंदर दोष आ जाते हैं, तो हमें इस प्रकार के आहार को ग्रहण करने से बचना चाहिए कि हम हनुमान जी की पूजा में लहसुन प्याज ना खाएं। मैं नहीं खाती हूँ, आपने पूछा था तो मैंने बताया कि मैं नहीं खाती हूँ। मैं जब भी लहसुन प्याज खा लेती हूँ, वैसे तो मैं 7-8 साल से अपने घर में लहसुन प्याज नहीं बनाती, लेकिन अभी पिछले साल से घर वालों के कहने पर कि आप शादी में जाते हो नहीं खाते हो, कहीं भी जाते हो भूखे चले आते हो, तो थोड़ा बहुत खाने का प्रयास किया, लेकिन मन नहीं मानता है, मन कहता है नहीं मुझे ये नहीं खाना है, और खा लेती हूँ तो कुछ उलझन सी होती रहती है। तो आप अपने मन की सुनिए, आपका मन जो कहे वो कीजिए, आपका मन कभी भी गलत नहीं होता है।
मन से किए हुए कार्य हमेशा सफल होते हैं, मन से की हुई पूजा हमेशा सफल होती है। तो अगर आपको इस प्रकार का खाना खाना पड़ रहा है, मजबूरी है आपकी, आप छोड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। और बाबा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, आप उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।